आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर इंद्रा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज चैनल। आज मैं आपको महाकाल की महानगरी उज्जैन ले आई हूं। यहां पर मैं विक्रमशिला विद्या हिंदी विद्यापीठ जो भागलपुर बिहार में स्थित है, जो हिंदी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसने राष्ट्रीय चेतना को जन जन के अंदर जागृत करने का बीड़ा उठाया है, उस विद्यापीठ की महान विभूति, वहाँ के कुल सचिव जो जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं फिर भी निरंतर कार्यरत रहते हैं, उनको देख देख कर मैं अभिभूत होती हूँ। आज मैं उस महान विभूति का साक्षात्कार आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है वो महान विभूति माननीय देवेंद्रनाथ शाह, जो 83 वर्ष की उम्र में निरंतर चलायमान रहते हैं, अनथक कर्मरत रहते हुए हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज देखते हैं, इनके द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके इस कार्य के पीछे किसकी प्रेरणा काम करती है। परम श्रद्धे शाह साहब, हमारे न्यूज चैनल में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो महान कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे किसकी प्रेरणा? इसके पीछे प्रेरणा के स्रोत, सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री को देना चाहूँगा, और उसके बाद जब मैं इस मौन तीर्थ से जुड़ा 2006 में, तब यहाँ मुझे मौनी बाबा से बहुत ही प्रेरणा मिली, और मौनी बाबा के आशीर्वाद से आज मैं इतने उम्र में भी क्रियाशील। आपके हिंदी विद्यापीठ विक्रमशिला का उद्देश्य क्या है? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना और घर घर हिंदी की महत्ता को पहुंचाना, और इसका एक ही नारा है कि हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन हिंदी विद्यापीठ का नारा है कि ए अंग्रेजी भारत छोड़ो। बहुत सुंदर। जिस तरह भारत में अपनी मातृभाषा को छोड़कर दासता की भाषा अंग्रेजी के प्रति लोगों का रुझान है, झुकाव है, जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को निगलने की कोशिश की है, लगातार निगल रहा है, उस संक्रमण को जड़ से निकालने का जो महती कार्य हो रहा है इस विक्रमशिला विद्यापीठ के द्वारा, यह उनका उद्देश्य आप देख सकते हैं कि हम इस विद्यापीठ से जन जन तक यह संदेश ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हम उसके प्रति हमारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है, चाहे संस्कृति का अनुसार। आपका हिंदी विद्यापीठ और क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ अपने उद्देश्य के लिए समर्पित है, और सरकार के द्वारा चालू किए गए जन जन तक शिक्षा पहुँचे इसको लागू करना, प्रौढ़ शिक्षा को लागू करना, साथ ही इसका यह भी उद्देश्य है कि पाश्चात्य सभ्यता से दूर रहो, अपने पाश्चात्य सभ्यता के जो दरवाजे हैं, पश्चिम के जो दरवाजे हैं, उस दरवाजे को बंद करो। आज घर में भी जो है, हाँ, इसका उद्देश्य है कि घर में भी तुम पश्चिम के कमरे का दरवाज़ा ना बनाओ, पश्चिमी दरवाज़ा बहुत घातक होता है ना। इसलिए भाइयों एवं बहनों, सब लोग
सावधान रहो। हमारे पूर्वजों को जो सताया इस पश्चिमी दरवाजे ने, हम लोग उसका भोग चुके हैं। महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस वगैरह सबों ने भोगा, और अब हम लोग आगे और इसको कितना भोगें और कितना झेलें। इसलिए पश्चिम के दरवाज़ा को बंद करो और अंग्रेजी मुक्त हिंदुस्तान को करो। मैं स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम की बेटी हूँ, इसलिए उस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ जो अंग्रेजी दास्ता में हमारे पूर्वजों ने झेला है। उस अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति का इन्होंने बहुत ही सुंदर वास्तु की भाषा में जवाब दिया है कि हमें घर में भी पश्चिमी दरवाज़ा नहीं रखना चाहिए। पश्चिमी दरवाज़ा बहुत ही घातक होता है। वास्तु की भाषा में इन्होंने आपसे आप तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की है। आपके इस हिंदी विद्यापीठ को शासन का कोई सहयोग मिलता है? विद्यापीठ अपने मुल्क और विदेशों से भी साहित्यकारों के सहयोग से चल रहा है। यह भारतीय अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा निबंधित संस्था है, और हमारे साहित्यकार भाई एवं बहनों द्वारा सहयोग की गई राशि से ही ये अभी तक चल रहा है। इसने अभी तक भारत सरकार या क्षेत्रीय सरकार से भी सहायता लेने की कोशिश नहीं की है और न ये मांग करती है, क्योंकि इसको अपने ही ये इतने ही धन इसके भाई बहनों से मिल जाता है कि उसी में इसका काम चल जाता है। आपकी हिंदी विद्यापीठ प्रति वर्ष ब्रह्म ऋषि श्री श्री मौनी बाबा के जन्मोत्सव पर बहुत शानदार यहाँ पे भव्यतम सम्मान समारोह करती है, जिसमें साहित्य के विभिन्न विभूतियों का देश के कोने कोने से आए, विदेशों से भी आए साहित्य के साधकों का सम्मान करती है। आप किस किस प्रकार का सम्मान यहाँ प्रदान करते हैं? यहाँ हिंदी के उत्थान और साहित्यकार भाई बहनों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए हिंदी में विद्या वाचस्पति, विद्यासागर, हिंदी रत्न, राष्ट्रभाषा गौरव, भारतीय भाषा रत्न, साहित्य शिरोमणि, कवि शिरोमणि के साथ भारत गौरव और अनेक अन्य विधाओं में भी कार्य करने वाले साहित्यकार भाई बहनों को सम्मान दिए जाते हैं। आपको यह सम्मान समारोह मौन तीर्थ में करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और मौन तीर्थ जो श्री श्री ब्रह्म ऋषि मौनी बाबा का तीर्थ है, प्रेरणा मिली मौन तीर्थ, इसमें आपको किस प्रकार से सहयोग? मौन तीर्थ के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, वो हमारे विद्यापीठ के कुलाधिपति हैं, आदरणीय संत श्री डॉक्टर सुमन भाई मानस भूषण मानस शिरोमणि हमारे विद्यापीठ के कुलाधिपति हैं, और उनके सानिध्य में यह सम्मान समारोह हर वर्ष आयोजित होता है। उनके यह प्रेरणा मौनी बाबा से ही मिली है। मौनी बाबा ने ही हमें भी यह प्रेरणा दी, स्वप्न में भी, कि तुम जुड़ो, तुम्हारे विद्यापीठ को आयाम मिलेगा और मैं यहाँ से। आप हमारे न्यूज चैनल के दर्शकों को और पूरे देश के वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम जैसे लोगों को किस प्रकार से प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों एवं बहनों, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो अपनी पहचान मातृभाषा में ही देश को देते हैं, इसलिए अपनी मातृभाषा को मत भूलो। हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसके लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। बच्चों को कभी ये मत कहो कि तुम अंग्रेजी का उपयोग करो, पापा मम्मी डैडी बोलो, तुम पिताश्री माताश्री दादाश्री का ही उपयोग करो। अपने से बड़ों को, गुरुजनों का आदर करो, सम्मान करो, यह सम्मान तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएगा।
मातृ शक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की मातृ शक्तियों को आज आप कहाँ पाते हैं? मातृशक्ति के लिए मेरा सबसे पहला यही है कि मेरे भाइयों एवं बहनों, पहले अपने माता पिता को सम्मान दें, और इसी क्रम में मेरा बड़ा पुत्र अपनी नौकरी छोड़ करके माता पिता की सेवा में घर लौट आया और कहा कि मैं माँ बाप की ही सेवा करूँगा। और हम लोगों की संस्कृति है कि हमारी मातृसत्ता जो है वो प्रधान है, इसलिए बच्चों को मैं आज यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी माता श्री को कभी मत भूलो, उसका चरण जरूर प्रतिदिन छुओ। यही मेरा मातृसत्ता के प्रति एक संदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ अपने चैनल की दर्शकों से।